हमारी सभी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो हेल्प में। मैं सिमी, आज हम बात करेंगे अमरनाथ गुफा के बारे में। जानेंगे कि अमरनाथ गुफा की क्या कहानी है और इससे जुड़ी कई ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। हिंदुओं के तीर्थ धामों में से एक अमरनाथ, जहाँ पर भगवान शिव स्वयं बर्फीले पहाड़ों पर विराजते हैं। भगवान शिव का ये गुफा बेहद प्रचलित है देश भर में। यहाँ भक्त और श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने आते हैं भगवान शिव के। कीर्तनती है कि यहाँ पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था, इसलिए इस जगह को अमरेश्वर भी कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं अमरनाथ गुफा की खोज किसने की थी। मान्यता है कि इस गुफा की खोज एक बूटा मालिक नाम के मुस्लिम व्यक्ति ने की थी। वह दिन भर भेड़ बकरियां चराता था और एक दिन बहुत दूर जंगल में चला गया। जंगल में उसकी मुलाकात एक साधु से हुई, जिसने बूटा मालिक के कोयले से एक भारी कांगड़ी दी। घर पहुंचकर बूटा ने उस कांगड़ी को खोला तो कोयले की जगह उसे सोना मिला। मान्यता है कि उसी दिन से वह स्थान तीर्थ स्थल में बदल गया। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमृतत्व की कहानी सुनाई थी। अगर कोई भी व्यक्ति इस कहानी को सुन लेता है तो वो अमर हो जाता है। इस कथा को आरंभ करने से पूर्व सबसे पहले शिव ने पहलगाम में नदी का त्याग किया और फिर चंदनबाड़ी में अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग झील के पास ही अपने गले में सांपों को उतारा और अंत में पंचतारिणी नामक स्थान पर भगवान शिव ने पंच तत्वों का परित्याग किया। जब भगवान शिव माँ पार्वती को ये कथा सुना रहे थे, उस समय वहाँ पर मौजूद दो कबूतरों के जोड़े ने इस कथा को सुन लिया था। ये दोनों शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए। कहा जाता है कि आज भी गुफा के पास कबूतरों के इस जोड़े को देखा जाता है। इन्हें अमर पक्षी माना जाता है। गुफा के अंदर शिवलिंग पक्की बर्फ का बनता है और गुफा के बाहर मीलों तक कच्ची बर्फ दिखाई देती है। आज तक इस बात का कोई पता नहीं लगा पाया कि गुफा के अंदर शिवलिंग पक्के बर्फ का कैसे बन जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु अमरनाथ गुफा के दर्शन करने आते हैं। हर साल अमरनाथ की गुफा में शिवलिंग अपने आप ही तैयार हो जाता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि हिमलिंग को तैयार करने के लिए यहाँ कोई जल स्रोत नहीं, तो फिर ये शिवलिंग अपने आप कैसे बन जाता है, इस बात का पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए। अगर आप अमरनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो आप पहले ही पंजीकरण करवा लें। कहा जाता है इस यात्रा को करने से मन तृप्त हो जाता है। भगवान शिव की इस खूबसूरत गुफा में हर मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आप अमरनाथ की कठिन चढ़ाई नहीं कर सकते तो आप हेलीकॉप्टर द्वारा अमरनाथ गुफा के दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपको यात्रा से पूर्व पंजीकरण करवाना होगा। इन सभी बातों को जानने के बाद आप एक बार जरूर दर्शन कीजिए भगवान शिव की इस अद्भुत प्रतिमा की। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद दर्शकों।